फाइनली पहुंच चुके हैं और ट्रैक भी दिख ही रहा होगा अभी आप लोगों को। और हम लोग, मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम लोग कहां। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महके व्लॉग्स में। सो गाइस, अब व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और देख सकते हो कि अभी हम लोग रेलवे स्टेशन फाइनली पहुंच चुके हैं और ट्रैक भी दिख ही रहा होगा अभी आप लोगों को। और आज थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सामान ज्यादा एक्स्ट्रा लेके आ गए। नहीं है कुछ भी है उसमें से ना, अपने कपड़े, ये दोनों के अपने ड्रेसेस, और जो इस बैग में ना सिर्फ में चार्जिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है। क्योंकि इसको ये बैग हम लोग लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है, जैसे कि अब जो वीडियोस बनाने में यूजफुल होंगे तो वो इसके अंदर रखे हुए हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, अगर टूट फूट हो जाए। चलो गाइस, अभी ट्रेन में थोड़ा सा टाइम है और हमारा जो स्लीपर वाला डब्बा है ना, वो 16 नंबर है, 16वां नंबर पे है डब्बा। पापा ने बताया, थोड़ा सा जानकारी निकाली पापा ने। हाँ, तो 16 नंबर पे है। चलो अभी आता है, ट्रेन आएगी तो दिखाते हैं फिर आपको आगे। गाइस, हमें ना वेट करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक ट्रेन नहीं आई है, और है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा जैसे अपना हनीमून ट्रिप हो। ऐसी फीलिंग आ रही है सच में, क्योंकि घूमने जा रहे हैं बाहर तो ऐसे ही लगेगा ना, सही है ना। बस फटाफट से ट्रेन आ जाएगा गाइस। और अच्छा हुआ आज धूप नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मौसम अच्छा है, ठीक है। वैसे पानी तो नहीं आएगा, लेकिन मौसम ठीक है, धूप नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलो ट्रेन आएगा गाइस, बहुत वेट हो चुका है, मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। चलो ट्रेन में कुछ खाएं गाइस। है ना, ट्रेन का 3 बजे का टाइम था, हमने आप लोगों को बताया था कि 3 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन अभी है ना 4 बज चुके, मतलब 1 घंटा लेट थी ट्रेन। और है ना, ट्रेन से कब आने में, अभी भी नहीं आई, नहीं अभी आने में, बहुत ही डिले कर दिया। 10 मिनट और 5 या 10 मिनट और लगेंगे, इसलिए हम खड़े हो गए, क्योंकि हमारा जो डब्बे है ना पीछे है। हाँ, तो हम पीछे खड़े हैं। गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है, फाइनली आ गई। सच में परेशान हो गए, अब मुझे देखना पड़ेगा अपना। हाँ, डब्बा देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे ना बचपन से स्पोर्ट्स गेम खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा है, और मैं तरह तरह के जो गेम्स हैं उनको खेल के ट्राई करता रहता हूँ। कैसा हो अगर वही गेम्स खेल के आप लोगों को पैसा मिले, आप लोग मनी अर्न कर सको, तो कितना अच्छा होगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका नाम है 1xBet, जो कि इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव्ड गेम है और एक बेटिंग एप्लीकेशन है, और इससे आप लोग इजीली तरीके से अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल कर सकते हो। आप इसके अंदर स्कोरबोर्ड को भी चेक कर सकते हो, रियल मनी कैश प्राइज जीतने का भी मौका पा सकते हो। अभी 1xBet आप लोगों के लिए खास ऑफर निकाले हैं, और अभी सभी को बताया कि T20 स्टार्ट होने वाला है, तो इसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस मैच भी खेल सकते हो। भाई सच सुना आप लोगों ने, प्रैक्टिस मैच भी आप कर सकते हो, और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस उन्होंने रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग अगर जीतना चाहते हो तो आप लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल सकता है, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भी आप लोग जीत सकते हो, प्ले स्टेशन 5, और इस तरह के काफ़ी सारे गेम प्राइस उन्होंने रखे हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है आप लोग कुछ अच्छी चीज़ जीत जाए। और इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी तरह के गेम देखने को मिल जाएंगे, लाइक पोकर, कसिनो, ब्लैक जैक, रूलेट, इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर गेम मौजूद हैं। बाय द वे, मेरा जो फेवरेट है ना, वो तो है क्रैश, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा खेलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेवरेट गेम बन चुका है मेरा, और इसके अंदर काफ़ी कम टाइम में आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो देर किस बात की, यूज़ माई प्रोमो कोड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड ग्रैब योर वेलकम बोनस 66,000 इंडियन रुपीज़। एंड नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक को पिन कर दिया, तो वहाँ पे जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और तरह तरह के जो गेम्स हैं उनका लाभ उठा सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करें। चलो अब चलते हैं। गाइस, जा रहे हैं अभी हम लोग, बहुत ज़्यादा दूर देख दिया है ना वो डब्बा, कितना आगे कर दिया यार उसको, रुकी नहीं रही। गाइस, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, और हम लोग सोच रहे थे, आज हम लोग बैठे हुए ना ट्रेन में, इतने दिन बाद बैठे हुए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार काफ़ी टाइम हो गया ट्रेन में बैठे हुए। लास्ट टाइम हम लोग ट्रेन में तभी बैठे थे जब हम लोग वो वाला सफ़र कर रहे थे, हम दोनों घर से निकल गए थे शादी करने के लिए, और किस तरह से हम लोग को यहाँ पर पकड़ लिया गया था। तो बहुत ट्रेन का सफ़र तो ज़िंदगी भर याद रहेगा हम लोगों को, लेकिन जो आज का सफ़र है ना, भगवान करे अच्छी तरीके से बीते, और जो हमारी जो जर्नी है जहाँ हम लोगों को जाना है, हम लोग अच्छी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाएँ।
सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया भाई, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा सफ़र तो मैंने अभी तक नहीं करा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने सीट बुक करी थी ना भाई, वो सीट बुक ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ उसके अंदर, कुछ इशू हो गया था, पता हाँ क्या हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुई हम लोगों को दोनों को। पाँच छः घंटे का सफ़र था लास्ट टाइम हम लोगों ने जब सफ़र करा था। लास्ट टाइम अपन ने सफ़र कब करा था इतना, वही जब ऐसी सिचुएशन बनी थी जब, हाँ भाई इतना बहुत ही भयंकर सफ़र हो गया, अब तो जाके ऐसी नींद आ रही है ना खतरनाक। चलो चले, हाँ वही। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और इतना ज़्यादा भाई परेशान हो गए ना आज दोनों हम लोग तो, कि बस पूछो मत, हालत देख ही सकते हो है ना, और सोचा नहीं था कि ऐसा सफ़र बन जाएगा अभी हम लोगों का, क्यों मैं हाँ नहीं सोचा था ना, क्योंकि आज जब अपने शादी करने के लिए अपन निकले थे ना, हाँ तब अपन इतना लंबा सफर करा था, उस टाइम ज्यादा था, उस टाइम भी लास्ट था इतना ज्यादा सफर, लेकिन आज लग रहा है कि इतना ज्यादा लंबा सफर हो गया भाई, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, थक भी इतने गए ना, ट्रेन की आवाज ट्रेन में ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है भाई। हम लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, सीट को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो गया था थोड़ा सा, है ना, हाँ थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन नहीं फिर भी सेफ्टी शॉर्ट आउट करा, फिर सेफ्टी से बैठ कर अच्छे से आ गए, हाँ चले अब ना। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देख सकते हो कि हम लोग कार लेने के लिए भी आ चुकी है, और अभी थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे, उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग को, 6 से 7 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए, और कल नाइट से भी आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रैवल इतना कर रहे हैं अभी कि पूरे हालत ख़राब हो चुकी है, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी हम लोगों को लेने के लिए आ चुके हैं। मैक तो अंदर जाके बैठ गई भाई, देख लो दिख रही होगी शायद आप, देखो मैक तो बैठ गई अंदर। चलो गाइस अब चलते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको पहुँचने के बाद कि हम लोग कहाँ पर आए हैं, किसके घर पर आए हुए। गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और खाना भी हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया है, और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि कैसा रहा आप लोगों का सफ़र, क्या हुआ, तो भाई हम लोगों का जो सफ़र था ना आज बहुत यादगार रहेगा, क्यों मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इतने टाइम से हम लोगों ने सफ़र नहीं करा था ना, इतना ज़्यादा लंबा लंबा सफ़र कराना था, आप देख सकते हो हम दोनों को देख के या समझ गए होंगे कि क्या हालत हुई होगी, हाँ क्योंकि बट कोई ना इतना ज़्यादा शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या कि अभी हम लोगों ने वहाँ से गांव से आए थे और डायरेक्ट इधर आ गए, तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो गया, हाँ लेकिन यहाँ आना भी ज़रूरी था, और जल्दी आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोग किससे मिलने आए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं गुजरात में, और गुजरात के जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं अगर हम लोगों से मिलना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना जी। और अभी हम लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन रुकेंगे और 3 दिन के बाद में हम लोग शायद जाने वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग जो भी मिलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर करना, तो और इंस्टाग्राम पर DM कर लेना, तो जो भी मिलना चाहते हैं तो हो सकता है हम लोग आपसे मिल लें, क्यों नहीं, सही बिल्कुल, हाँ और ज़रूर आपको कल दिखाएंगे कि कौन से मिलने आए हैं, किससे मिलने आए हैं अभी हम लोग। वैसे मैक की हालत तो देखो आप देख ही सकते हो कैसी हो गई आज, सबसे पहले मैं चेंज करूंगी, उसके बाद जो नींद आएगी ना इतनी अच्छी वाली मुझे आज, है ना, थकान दिखी रही, मतलब कल से ही नींद, मतलब कल रात से ही नहीं सोई हूँ मैं, हाँ थकान दिखी रही है गाइस आप लोगों को चेहरे के ऊपर देख सकते हो, थकान अलग ही दिख रही है मैक के चेहरे पर, नींद आ रही है ना, हाँ। गाइस हम लोग यहाँ पे एक जो फंक्शन है वो अटेंड करने के लिए भी आए हैं, और साथ में हम लोग घूमना फिरना भी हो जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं, इसलिए आपको हम थोड़े से लग रहे होंगे लेकिन जब रेस्ट कर लेगा ना, हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या, हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हो गई बताया, सफ़र पर जो हम लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने जो स्लीपर बुक करी थी ट्रेन के अंदर, तो वो वाली जो स्लीपर कोच था पता नहीं क्या हुआ उसके अंदर कि वो बैठने वाला निकला, मुझे भी नहीं समझ में आया, हालत खराब हो गई, जैसे भी उस गांव में गए थे तो गांव में भी नाइट में अच्छी तरीके से मैं सो नहीं पाया था, सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, और यहाँ पे देखो तो दिन में भी दोपहर में भी नींद पूरी नहीं हो पाई, थकावट ज्यादा हो गई, क्यों ज्यादा हो गई भाई ना, हाँ चलो गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि अब हम करेंगे रेस्ट, और ना फिर सुबह एनर्जी में जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि नींद खुल जाएगी ना इसीलिए, हाँ तो रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में सुबह आप लोगों को मिलाएंगे भी सही, हम लोग किससे मिलने के लिए आए और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या फंक्शन होने वाला है, तो सभी से मिलेगा, स्टे ट्यून्ड रहिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए आने वाले गुजरात से।
सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, अब है ना फाइनली नींद पूरी हुई ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल। तो गाइस, अभी हम लोग उठ चुके हैं और आज का जो डेली रूटीन होने वाला है पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले और किससे मिलने वाले, सारी चीजें आज आप लोगों को दिखाने वाले। तो अभी तो हम रेडी होंगे ब्रश करेंगे, उन लोगों से मिलाएंगे आप लोगों को जिसके पास में अभी हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, जो भी आज का जो फेस्टिवल, मतलब क्या बोलते हैं, फंक्शन होने वाला है, वो भी आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो वीडियो में, ब्लॉग में बने रहिएगा। चले चलो चलो भाई, सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, है ना टेरेस से हम नीचे आ गए हैं और है ना यहाँ पर है ना नंबर लग रहे हैं, वॉशरूम में भी बना है, दोनों में नंबर लग रहे हैं। तो हम दोनों ने ब्रश वगैरह तो कर लिया है, मतलब इन्होंने कर लिया ब्रश, अभी मैं बची हूँ ब्रश करने में, क्योंकि उधर ना भीड़ हो रही है, तो सोचा थोड़ा वो सब वही ना सब दूर भीड़ हो रही है, कोई क्या तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि फैमिली फंक्शन रहता है ना तो भीड़ रहती है, सब लोग आते हैं जाते हैं, कोई क्या करता है, कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपना करते हैं, जैसे अब अपने हिसाब से कर रहे हैं दोनों। तो अभी उधर ये दिन तो ब्रश कर लिया, मैंने इनको पहले करवा दिया, फिर हम लड़कियों का कर लेंगे, इनका रहता है थोड़ा सा, तो इनको करवा दिया है मैंने। तो बस मैं भी ब्रश कर लूँगी, फिर नहा लूँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी। और उधर उधर वाले रूम में गई, उधर भी भीड़ हो रही है, दूर भीड़ हो रही है। हाँ, मेहमान ज्यादा है, क्योंकि आज ही है ना प्रोग्राम, मॉर्निंग में ही है आज ही, मतलब 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे हम यहाँ से, तो होगा तो यहाँ से निकल भी जाएंगे। चलो गाइस, फिर आपको दिखा दिए आगे।